हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुटीक टाइम्स में। अगर आप भी इस प्रकार की अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हम आसान तरीके से ये पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये कपड़ा चाहिए होगा, जो उरे में ही चाहिए। ज़्यादा जो कन्नी के साइड कपड़ा होता है वो हमें नहीं चाहिए, उरे में ही कट करना है। इस प्रकार से ये ट्रायंगल शेप में मेरे पास कपड़ा था तो मैंने इसी को यूज़ किया है। तो इसके जो उरेब की जो साइड है उसी साइड से हम इस कपड़े को कट करेंगे। इस कपड़े की जो हम चौड़ाई है वो कम से कम 1.5 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा तो ठीक नहीं रहेगा। 1.5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये हम इसको 1.5 इंच की पट्टी को कट कर लेते हैं। दो पट्टियां हमने यहाँ कट कर ली हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये 4 लेयर हो जाएंगी। तो इसके बाद हम इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए भी हमें इसको ट्रायंगल जो ये कॉर्नर है एक को इस तरफ और अपोजिट साइड रखना है और इसको ज्वाइंट कर देना है। सिंगल फुट जितनी इसका जो सिलाई का जो गैप है वो रहेगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं रखना, नहीं तो हमें जो पाइपिंग बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, गांठ टाइप का मोटा सा हो जाएगा जिससे कि पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस प्रकार से हम बारी बारी करके इसको जोड़ लेंगे। अगर आपको इस प्रकार की जो डोरी बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो हम इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार हम डोरी पाइपिंग में जो डोरी लगाते हैं वो लगा सकते हैं। ये हमारे पास पाइपिंग का धागा जो शॉप पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें रखना है कपड़े के अंदर और अब इसको मशीन के जो बीचों बीच रख कर सिलाई करनी है। और कपड़े को ये थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है तो इसको थोड़ा खींच के ही टाइट खींच के इसको पीछे के साइड से पकड़ के इसको प्रेस करते जाना है, जिससे कि हमारी जो पाइपिंग होगी वो एकदम गोल बनेगी, जो इसमें बिल्कुल भी धागे जितनी ही बनेगी, इसमें एक्स्ट्रा कोई लूजिंग नहीं रहेगी। ये जो जोड़ होता है इसको थोड़ा सही साइड में ही करके अच्छे से दबा के इसको सिलाई कर लेंगे। ये पूरी इसी प्रकार से हमें धागे को अंदर लेते हुए इसको सही इस तरीके से फिट करना है। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारे जो पाइपिंग वाला दो धागा था वो इसके अंदर लग चुका है। अब हम इसको गले के अंदर फिट करेंगे। ये हमारा जो इनर वाला सूट है इसमें हम इसको अंडरग्राउंड लगाएंगे। इसमें जो सूट का जो सोली साइड होती है वो रखेंगे, उसके ऊपर इनर रखेंगे। इनर को सही तरीके के रखने के बाद हम इस पाइपिंग को इसके अंदर रखेंगे। पाइपिंग का जो हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी पाइपिंग में। तो इस दो कपड़े को हम काट लेते हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, थोड़ा ही मार्जिन रखेंगे। अब इसको कट करने के बाद हम इसको गले के अस्तर और जो मेन फैब्रिक होता है उसके बीच में रखना है, और ज़्यादा अंदर की साइड भी नहीं रखना, बस एक पैर जो सिंगल फुट जितनी सिलाई होती है उतना ही रखना है। उसको दोनों के बीच में रखने के बाद उसी प्रकार से हमें सिलाई करनी है, बिल्कुल जो पाइपिंग वाली जो हमारी डोरी है इसको जो पैर के बीचों बीच आ जाए, और जो ये गोलाई वाले हिस्से जो होते हैं उसमें बहुत ही सावधानी से लगानी है। इसी का लगाने के कारण जो हमारी पाइपिंग में जो दिक्कत आती है, इस अगर आप देख रहे होंगे इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सुंदर तरीके से लग जाएगी। गोलाई में एकदम बिल्कुल ना लूज़ छोड़ना है ना टाइट खींचना है, इसको बिल्कुल जो कपड़े के हिसाब से ही लगाते जाना है, तो ये बहुत आसानी से ही लग जाएगी।
ये देखिए अब इसको हम कट कर लेते हैं, और जो गोलाई वाले जो हिस्से होते हैं अंदर की साइड, उसमें हम अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ध्यान रहे जो हमारी सिलाई वाला धागा है वो कट नहीं होना चाहिए। तो ये कट लग गए हैं, इससे क्या होगा जो हमारी जो गोलाई की जो शेप आती है वो एकदम प्रॉपर आएगी। ये देखिए हमारी पाइपिंग कितनी सुंदर तरीके से बनके तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल अंडरग्राउंड।